सुरक्षा कर्मी है उनको बहुत मशक्कत, जगह जगह प्रधानमंत्री के पोस्टर कटआउट लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन भी दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है देवघर की सड़कों के बीच से गुजर रहे हैं, प्रसन्न चित्त है। ये देखिए स्कूल के बच्चों ने भी उनको उनके स्वागत के लिए सड़कों पर कैसे खड़े होकर उनका इंतजार किया और प्रधानमंत्री भी पूरा मौका दे रहे हैं कि लोग उनको देख पाए, उनकी एक झलक पा पाए, क्योंकि इसी के लिए ये लोग यहां पर खड़े हैं गर्मी में काफी देर से। प्रधानमंत्री के रोड शो की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवघर से लाइव तस्वीरें, पूरी गाड़ी जो है फूलों से ढकी हुई है, जगह जगह पुष्प वर्षा की गई है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए गाड़ी के बाहर निकलते हैं, गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती है ताकि लोग प्रधानमंत्री को देख पाए, उनको नजदीक से देख पाए, और फिर प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी रफ्तार बढ़ाई जाती है क्योंकि उनको अभी यहां से बाबा बैद्यनाथ धाम भी जाना है और वहां भी उनको कुछ वक्त लगेगा, बताया जा रहा है 20 मिनट का वक्त वो मंदिर के अंदर रहेंगे और फिर उसके बाद उनकी एक सार्वजनिक सभा आज के लिए रखी गई है। तो शानदार रोड शो प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री गाड़ी से क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, देखिए आप प्रधानमंत्री जहां जहां से गुजर रहे हैं कैसा भव्य स्वागत जो है वो उनका किया जा रहा है और बहुत जल्द वो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखिए बैरिकेड लगाकर भले ही लोगों को रोकने की कोशिश की गई है और लोग भी बड़े संयमित होकर वहां मौजूद हैं, उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा होता है मामला सारा, लेकिन आप कितनी भारी तादाद में लोग आज उमड़ करके आए हैं और किसी भी नेता के लिए जनता का ऐसा प्यार, ऐसा आभार जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। देवघर के इस रोड शो में देवघर की जनता ने अपार प्यार लुटाया है प्रधानमंत्री के ऊपर, कहना पड़ेगा हजारों की तादाद में जिस तरीके से सड़क के दोनों ओर इकट्ठा होकर और पूरी यात्रा के दौरान, ये 12 किलोमीटर की पूरी यात्रा के दौरान कहीं ऐसा पल नजर नहीं आया जहां पर लोग ना खड़े हों, जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत ना किया हो, फूल ना उनके ऊपर बरसाए हों, जहां नारेबाजी ना सुनने को मिली हो। हर जगह पर जहां से भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं देवघर में, वहां ऐसे ही दृश्य, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं और इसी वजह से ज़्यादा वक्त भी लग रहा है उनको मंदिर पहुंचने में, रास्ता इतना लंबा भी नहीं है लेकिन बहुत देर से ये रोड शो चल रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग चारों तरफ इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं कि प्रधानमंत्री को बार बार गाड़ी से बाहर निकल कर उनका यह आशीर्वाद स्वीकार करना पड़ रहा है और आप देखिए कितनी धीमी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जगह जगह जहां से भी गुजर रहे हैं लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका यह आशीर्वाद, उनका प्रेम स्वीकार करते हुए। झारखंड के लिए जितनी विशेष परियोजनाएं उन्होंने चलाई, पूरी भी की हैं, वो भी लोग जानते हैं
ये देखिए स्कूल के कई बच्चे आपको खड़े नजर आएंगे इन तस्वीरों के अंदर, सबके हाथों में कैमरा, सब तस्वीरें बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी के साथ एक और शिव धाम के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी के सांसद हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अक्सर जाते रहते हैं, वहाँ के सांसद होने के नाते हमने देखा केदारनाथ मंदिर वो कितनी बार गए, और अब आज देवघर शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का भी वो दर्शन करेंगे, वहाँ जाकर भी पूजा अर्चना करेंगे। और एक बार आपको रैली स्थल पर लेकर चलते हैं, विवेक वहां मौजूद हैं। विवेक, बहुत वक्त हो चुका प्रधानमंत्री के इस काफिले को चलते हुए, और सब वहां भी ये सोच रहे होंगे लोग कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि हम तस्वीरों में समझ के देख पा रहे हैं लोग इतने हैं सड़क के दोनों ओर कि प्रधानमंत्री की गाड़ी बहुत धीरे धीरे बढ़ पा रही है। प्रधानमंत्री बार बार अपनी गाड़ी के बाहर निकलते हैं, फिर लोगों की ओर हाथ हिलाते हैं, फिर थोड़ी देर में गाड़ी में बैठते हैं, तो ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा है। बिल्कुल सर, रूट बहुत लंबा था, 12 किलोमीटर का रूट था और लोग बहुत ज्यादा आ गए और इसलिए रोड शो का वक्त बढ़ाना पड़ा, लेकिन रैली स्थल पर इंतजार किस तरह से हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे सामने आपको भीड़ नजर आएगी, सब यहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं बहुत देर से, और 3 बजे जो है वो कम से कम यहाँ पर लोग आएंगे। देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, 4 घंटे से इंतजार करते हुए आ रहे हैं। देखिए आपको दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी सौरभ, आपको भीड़ में सिर्फ मोदी मोदी लोग कह रहे हैं, और यहाँ पर काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी और वंदे मातरम जैसे नारे यहाँ पर लगभग 2 घंटे से लगाए जा रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आपको बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगभग बाबा मंदिर तक पहुंच गया है, और कुछ ही क्षणों में वो तस्वीर आएगी जब वो बाबा मंदिर के अंदर मौजूद होंगे और वहां पर गर्भगृह में पूजा करेंगे। मंदिर का कार्यक्रम आपको बता दें, मेरे वीजे जहान आपको रैली स्थल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी, माहौल पूरा बना हुआ है, लोग हाथ उठाकर अभिवादन करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी का। आप देखिए ताली बजाकर किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचेंगे, मंदिर में उनका सबसे पहले स्वागत किया जाएगा धर्म रक्षिणी सभा की तरफ से, और आपको ये भी बता दें कि स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह में जाएंगे और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे बाबा बैद्यनाथ का, बैद्यनाथ का, महादेव का पूजा करने की, पूजा करने के बाद वहां से निकलेंगे, और वहां से निकलने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए रुका है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन वहां से प्रधानमंत्री जब पूजा खत्म हो जाएगा तो उन्हें धर्मरक्षिणी सभा की तरफ से एक मोमेंटो भेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री रैली स्थल के लिए रवाना होंगे। यानी अभी भी लगभग 45 मिनट का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, जो टेंटेटिव टाइम है वो 3:30 बजे का। आप उत्साह देखिए किस तरह का, मैं आप बीजेपी को बोलूंगा वो लेकर चले आपको, और नहीं जाहिर है आपके कैमरे से वो जोश उत्साह लोगों का नजर आ रहा है, और जैसा अभी एक सज्जन बोल रहे थे 4-5 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए देवघर शहर के बिल्कुल बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक काफिला पहुंच गया है, तो ऐसा लगता है कि बस कभी भी वो मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां पहले वो पूजा करेंगे और फिर वहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।